अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में हम विंटर स्पेशल हलवा बना रहे हैं, जो कि है लौकी का हलवा। बहुत ही मज़ेदार सा है, फटाफट से बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने लौकी को ग्रेट करके रखा है। लौकी जैसे ही ग्रेट करें उसी वक्त आपने हलवा बना लेना है, वरना लौकी जो है वो अपना कलर चेंज कर देगी। तो लौकी को हम पैन में डाल देंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी है। तो ये लौकी हमने इसमें डाल दी। दो फ्लेम पे हमने जो है इस लौकी का जो पानी है उसको खुश कर लेना है। अभी हमने कोई घी भी नहीं डाला है, सिर्फ हमने पैन में लौकी ग्रेट करके डाली है। इसका पानी खुश कर लेंगे हम। तकरीबन हमने इसको 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी हमने इसका सिर्फ पानी खुश्क करना है। तो ये आप देख सकते हैं इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। हमने इसको 5 मिनट पकाया है तो इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, मिक्स करेंगे। अब चीनी का जो पानी रिड्यूस होगा उसमें हमारी ये लौकी जो है वो कुक हो जाएगी। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे तब तक पकने देंगे जब तक जो ये चीनी का पानी है वो खुश नहीं हो जाता। तो हम इसको पकने देंगे। तो ये आप देख सकते हैं चीनी का पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें खोया ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब पहले इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये अच्छे से मिक्स कर दिया खोया हमने हलवे में। अब हम इसमें डालेंगे मेल्टेड घी। घी डाल देंगे, इसको मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया है। और घी डालने के बाद अब हम फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा हाई। और अब हम इसकी करेंगे भुनाई। तो अच्छे से हमने इसकी अब भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट बस हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छे से। तो हलवा हमारा रेडी है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो ये इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये रेडी हो गया। बहुत ही लजीज सा हमारा लौकी का हलवा। आप इस विंटर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।